हेलो, रिवीजन की 29वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। इनमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे विश्व की प्रमुख ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में। इनमें सबसे पहली है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के किनारे स्थित थी। इसका आधुनिक शहर इराक है। इसमें परिवहन नौका या पोत के द्वारा होता था। इसकी भाषा या लिपि कीलाक्षर थी। इनके भगवान ये सूर्य, चंद्रमा और आकाश की उपासना करते थे। इसमें शासक वर्ग पुरोहित और राजा होता था। इनके सामाजिक वर्ग में व्यापारी, दास और जन आते थे। अगली है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे स्थित थी। इसका आधुनिक शहर मिस्र है। इसमें परिवहन मुख्यतः स्थलीय होता था। इनकी भाषा या लिपि चित्राक्षर थी, यानी चित्रों का प्रयोग ही अक्षर के रूप में किया जाता था। इनके भगवान के रूप में शहर के देवता प्रसिद्ध थे। इनमें शासक वर्ग पुरोहित या फराओ होता था। सामाजिक वर्ग में इनके किसान और व्यापारी आते थे। इनका प्रमुख स्मारक है पिरामिड। जबकि बात करें चीन की सभ्यता की, तो यह ह्वांगो नदी के किनारे स्थित थी। इसका आधुनिक शहर उत्तरी चीन है। परिवहन में इसमें रेशम मार्ग होता था। इनकी भाषा या लिपि चीनी भाषा थी। इनके धर्म में अनेक देवता होते थे। शासक वर्ग शांग था। सामाजिक वर्ग में किसान और व्यापारी आते थे। प्रमुख स्मारक चीन की दीवार है। आगे जानेंगे भारत की संस्कृति, जो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। इसका आधुनिक शहर हड़प्पा है। इसमें परिवहन स्थलीय होता था। इसकी भाषा या लिपि अपठनीय है, यानी कि भावचित्रात्मक है, अभी तक उसे पढ़ा नहीं गया है। इनमें भगवान मातृ देवी को मुख्यतः माना जाता था। शासक वर्ग राजा होता था। सामाजिक वर्ग में इनके पशुपालक आते थे। प्रमुख स्मारक स्नानगृह, अन्नागृह इत्यादि थे। आगे जानेंगे भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। इनमें सबसे पहले झारखंड के प्रमुख क्षेत्र हैं झरिया, बोकारो और गिरिडीह। पश्चिम बंगाल के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं रानीगंज और बीरभूमि। ओडिशा के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं तालचेर और संभलपुर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख क्षेत्र हैं कोरबा और सोहागपुर। आंध्र प्रदेश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं सिंगरौनी और गोदावरी नदी की घाटी। महाराष्ट्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र है वर्धा नदी की घाटी। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में मैदानी भाग 43% है, पठारी भाग 27.6% है, पहाड़ी भाग 18.7% है और पर्वतीय भाग 10.7% है। आगे जानेंगे पुर्तगालियों के बारे में। भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे। वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया। वास्को डी गामा दोबारा भारत 1502 ईस्वी में आया था। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई थी। महान विभाजक वर्ष 1921 को माना जाता है। 1911 और 1921 के दशक में जनसंख्या में 0.31% का ह्रास हुआ था। उसके बाद जनसंख्या में वृद्धि हुई है। दुबला हाली प्रथा। इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति व स्वयं का संरक्षक अपने मालिक को मानते थे। ददनी प्रथा। इसके अंतर्गत अंग्रेज भारतीयों को उनके काम के लिए उन्हें अग्रिम या पेशगी के रूप में धन देते थे। आगे जानेंगे प्रणोदन प्रणालियों के बारे में। ठोस प्रणोदन प्रणाली में ईंधन के रूप में एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तरल प्रणोदन प्रणाली में ईंधन के रूप में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिकस में तरल गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्रायोजेनिकस को निम्न तापगी भी कहते हैं और क्रायोजेनिकस में भारत छठवां देश है।
नेक्स्ट है स्क्रैमजेट, इसमें ईंधन मुख्यतः हाइड्रोजन होता है। यह एयर ब्रीदिंग इंजन के रूप में कार्य करता है। स्क्रैमजेट में भारत चौथा देश है। रेमजेट, इसमें ईंधन और वायु होती है। सबसोनिक गति पर काम करने वाला यह एक इंजन होता है। नर हार्मोन्स को एंड्रोजन कहा जाता है। प्रमुख नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। मादा हार्मोन को एस्ट्रोजन कहा जाता है। प्रमुख मादा हार्मोन एस्ट्रोडियोल प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन है। रिलैक्सिन गर्भाशय में वृद्धि करता है प्रसव के समय, और प्रोजेस्टेरोन महिलाओं में रजोनुवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। आगे जानेंगे संविधान की प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में 6 सदस्य और थे। ये सदस्य इस प्रकार थे: एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, एन माधवराव, ये बीएल मित्र की जगह पर आए थे, और डीपी खेतान, इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी इनके स्थान पर आए थे। आज का आपका प्रश्न है, भारत की प्रथम नियमित जनगणना कब और किन के कार्यकाल में हुई थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।